अगली खबर रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का आज दौरा कार्यक्रम है और वो आज दुर्ग जिले और रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10:15 बजे से यानी कि कुछ ही देर बाद वो थाना पुरानी भिलाई पहुंचकर बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 11 बजे रायपुर के समता कॉलोनी स्थित भीमसेन भवन आकर कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि उनके जिस तरह का दौरा कार्यक्रम है उसमें यह भी शामिल है कि 3 बजे रायपुर से वो रवाना होकर तकरीबन 3:40 यानी कि 4:45 बजे तकरीबन दुर्ग जिले के ग्राम कोही स्थित आनंद मठ मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भिलाई स्थित अपने निवास पहुंचेंगे और वहां पर भी अपने जो साथी हैं और परिवार के लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं हेमंत शर्मा रायपुर से। हेमंत, जिस तरह हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ही रहे थे इसके पहले भी कि आज जिस तरह कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी तो उसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे और साथ में दुर्ग जिले की हम बात करें और रायपुर में भी कई तरह के कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे, अब से कुछ ही देर बाद पुरानी भिलाई पहुंचकर बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन करेंगे, तो क्या कुछ बाल मित्र कक्ष है और साथ में किस तरह का आज दिन भर का उनका शेड्यूल रहेगा? देखिए सरद, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी भिलाई स्थित अपने निवास पर मौजूद है और करीब 10:10 पर वो अपने निवास से प्रस्थान कर सीधे जो पुरानी भिलाई है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन उनको करना है तो ठीक समय पर वो वहां बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीधे सड़क मार्ग से वो रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर पहुंचने के बाद यहाँ पर विधायक जो पश्चिम के विधायक है विकास उपाध्याय उनके द्वारा एक कांवड़ यात्रा का आयोजन यहाँ पर किया गया है तो उस कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा अलग अलग जो कांग्रेस के नेता है वो कांवड़ यात्रा में मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ वहां पर रहेगी। यहाँ पर कांवड़ यात्रा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर रायपुर में रुकने के बाद करीब 3 बजे के आसपास सीधे दुर्ग जिले के ग्राम कोही पहुंचेंगे जहां पर स्थानीय कार्यक्रम है और इसके साथ ही मिनी माता की जयंती थी उसके साथ ही कई अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। पूरे दिन भर का उनका यह कार्यक्रम रहेगा। कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ बाल मित्र कक्षा का उद्घाटन भी वो करेंगे। जी, क्या लगता है जिस तरह आज की हम बात की जाए तो कांवड़ यात्रा में तो शामिल होंगे ही, बाल मित्र कक्ष का भी उद्घाटन करेंगे और यदि बात की जाए 3 बजे रायपुर से रवाना होकर वो तकरीबन 4:45 बजे तक कोही ग्राम स्थित आनंद मठ मंदिर में शामिल होंगे तो वहाँ क्या कुछ कार्यक्रम होगा जिसमें वो शामिल होंगे? साथ में ऐसा भी माना जा रहा है कि वो अपने निवास भी जाएंगे जहाँ पर क्या कुछ बातचीत हो सकती है या क्यों वजह बन रही है उनके निवास जाने की? क्या कुछ पहले से तय था या फिर वो अपने परिवारजनों से मिलने के लिए जा रहे हैं? देखिए जो उनका पूरा कार्यक्रम बना है उसमें बात की जाए तो 10:10 पर वो भिलाई जाएंगे। भिलाई के आने के बाद यहाँ पर रायपुर में कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। शामिल होने के बाद कुछ देर यहाँ पर जो कामकाज है उनके जो कार्यालयीन कामकाज उनको संभालने के बाद वो सीधे ग्राम कोही जाएंगे। वहाँ पर इस प्रकार से सावन का आखिरी सोमवार भी है और आखिरी सोमवार में अलग अलग मठ मंदिरों में कार्यक्रम रख गया है तो उसी सिलसिले में वहाँ पर ग्राम कोही में ये कार्यक्रम रखा गया। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे तो बीच में गैप दिया गया है शरद। वहाँ पर इसलिए समय दिया गया है क्योंकि जो कार्यालयीन कामकाज है उसको भी एक फाइलों को वो देखेंगे तो इसलिए जो गैप है वो उसमें कार्यक्रम में उनके रखा गया है। जी चलिए, वो सब बने रहिएगा। आपको बता दें कि भूपेश बघेल का आज दौरा कार्यक्रम है और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और साथ में अब से कुछ ही देर बाद बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन करेंगे और 11 बजे रायपुर के समता कॉलोनी स्थित भीम बसेन भवन आकर कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे और इसके बाद कुछ देर का गैप भी है। हालांकि 3 बजे वो रायपुर से कार द्वारा रवाना होकर 4:45 बजे दुर्ग जिले के ग्राम कोही स्थित आनंद मठ मंदिर पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद वो अपने निवास पहुंचेंगे।